हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। मैं नीलम आप सबका अपने चैनल मौर्य एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चौथा लेसन, देहात और शहर, जो सातवीं कक्षा का है। ओके, ये बहुत ही रुचिकर और बहुत ही, आप इसको कह सकते हो, जो आप हमेशा बोलते रहते हो, इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत ही प्यारा ये अध्याय है, मतलब पाठ है। अभिषेक पांडे जी ने इसे लिखा है। इसमें देहात और शहर, ये पाठ जैसा जिसका नाम है, इसमें देहात शहर को पत्र लिखता है, बाद में शहर भी देहात को पत्र लिखता है। उसमें ये लोग अपने अपने बारे में और जैसे पत्र लिखते हैं एक दोस्त को, वैसे ये लोग लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन पहले पत्र लिखता है। प्रिय मित्र शहर, मतलब देहात अपने मित्र शहर को पत्र लिख रहा है। ठीक है, प्रिय मित्र शहर, अब ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी है इसमें। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। ठीक है, उस नमस्कार बोला और यहाँ पे डेट लिख दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते वो क्या लिखता है अपने दोस्त शहर को। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर मुश्किल है, पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। तो जो देहात है अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है और वो बोला कि कल जो ये लोगों का आपस में बात हुआ था, फोन पे, टेलीफोन पे बात हुआ था, तो ये बोल रहा है कि कल हमारी बात तो हुई थी टेलीफोन पे, लेकिन बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कह पाया फोन पे, दूरध्वनि मतलब टेलीफोन, उससे कहना मुश्किल होता है। तो आज मैं तुम्हारे लिए मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो पत्र लिखते समय बोल रहा है, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ, मतलब तुम्हें बताता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। वो बता रहा है कि ऐसा है कि जो डिजिटल, जो आजकल ये मोबाइल, टेलीफोन और बहुत सारी जो परिवर्तन हुए हैं, तो वो मेरे गांव में भी थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, और मोबाइल के माध्यम से, मतलब मोबाइल के थ्रू जो है नवीन सूचनाएं, मतलब नई नई जो खबरें होती है ना, हम तक पहुँचने लगी है। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, फिर टीवी भी इतना देखने की जरूरत नहीं होती है। लोग मोबाइल से उस चीज को वायरल कर देते हैं, आई बात समझ में। तो ये हम तक पहुँचने लगा है खबर। स्वच्छ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुँच गई है। ग्रामजन की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, मतलब ये सब जानकारियाँ अब सबको होने लगी है। मोबाइल हो गया, आपको पता है आजकल सब कुछ भी होता है, गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, सब तरीका ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें बनाना सीखते हैं। तो मोबाइल के थ्रू जो है बहुत सारी जानकारी अब देहात के लोगों को भी होने लगी है, और नए नए खेती के औजार और अलग अलग जो स्टाइल है, पद्धतियां जो है, वो भी ये गाँव के लोग हमारे अपनाने लगे हैं। तो बहुत ही परिवर्तन हुआ है। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, और घर घर में बात ये होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय। ठीक है, तो ये बात में लोग विश्वास करने लगे हैं, तो इसके लिए घर घर में अब ये बनवाने लोग लगे हैं, नहीं तो सब सब पहले क्या करते थे, खुले में जाते थे। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। अब यहाँ पे देहात बोल रहा है, चलो भाई, इतनी सुविधा तुम्हारे गांव में हो गई है, लेकिन दोस्त, जो पीने का पानी है, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा दूर से लाना पड़ता है, बड़ी परेशानी है। विद्यालय है हमारे यहाँ तो उसमें सुविधाएं नहीं है, और जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय जो होते हैं, सब हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी, तो गांव से बहुत दूर है। तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ तुम्हारा है, बल्कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं और बढ़ती ही जा रही है,
और नई नई तकनीक आ गई है, बहुत विकास हो रहा है तुम्हारे शहर में। तो तुम्हारे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, मतलब हमेशा शहर वाले हमेशा कुछ न कुछ हर दिन नया का नया और नया नया कुछ चीजें करते जा रहे हैं। दोस्त तुम कितने सुखी हो, उसका जो देहात दोस्त है बोल रहा है तुम कितने सुखी हो। शहर तो बोलता है यातायात, मतलब जो आने जाने का ये जो साधन है, ठीक है, यातायात के जो आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। जो है यातायात के साधन तुम्हारे यहाँ बड़ी अच्छी है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे तुम्हारे यहाँ बिजली रहती है, हमारे यहाँ पे रहती नहीं है। कभी कभी मेरा मन बड़ा उदास जाता है। मैं क्या सोचता हूँ कि यार कभी एक जमाना हुआ करता था जब हमारे गांव में बड़ी खुशहाली हुआ करती थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। वो इसलिए देहात ऐसा इसलिए कह रहा है कि पहले जैसी रौनक इसलिए नहीं रही क्योंकि ये सारे लोग जो है शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं। हमारे गांव में असुविधा है, सब सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है, आपस में लोग झगड़ा कर लेते हैं और इधर उधर खेत में और मिट्टी की सड़कों पे इधर उधर लोग कहीं बगीचे में गुटबाजी करते हैं, मतलब ग्रुप बड़ा बना बनाकर लोग शिकायतें करते हैं, बातें करते हैं, कोई काम धंधा तो उनके उस जिले रहता नहीं है, तो इस तरह से वो अशांति फैलाते हैं, माहौल बहुत खराब कर रखे हैं ये। जैसे इस तरह की समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ, मतलब मैं देहात इस तरह की समस्याओं से तो मैं घिरता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, ऐसा वो अपने दोस्त शहर को पत्र लिखते हुए बोल रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। यहाँ पर जो थोड़े बहुत जो है ना, यहाँ पे कुछ जो अनपढ़ लोग हैं और थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत बस जो पढ़े लिखे हैं, वो परिवार कल्याण किसमें होना चाहिए उसमें उनका ध्यान नहीं रहता है, उस बात को सोचने में वो बस उदासीन रहते हैं, उस पर जोर नहीं देते हैं। जनसंख्या बढ़ाए चले जाते हैं वो, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जितने लोग गांव में रहने वाले हैं सब शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं, और इसलिए हमारे यहाँ गांव में जो मजदूर हैं, मतलब काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो सब शहरों की तरफ भाग जाते हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। जो है शहरी चमक दमक, तुम्हारे यहाँ जो चमक दमक है, जो बिजली है, चारों तरफ जो सुंदरता है शहर की देखकर ये लोग गांव से भागे चले जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ चले जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ दे रहे हैं ये लोग। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी बीमारियां हैं और अच्छे अस्पताल भी नहीं है। कोई अगर गांव में बीमार होता है तो अच्छे अस्पताल नहीं है जहाँ पर कि उनका अच्छे से इलाज हो सके। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट जा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो देहात में अपने दोस्त शहर से बोलता है, यार दोस्त मेरे शहर कि मेरा जो परिवार तो टूटता जा रहा है, मतलब यहाँ के लोग तो सब तुम्हारे तरफ भागे जा रहे हैं, बताओ कि मैं क्या करूँ। यहाँ के लोग बीमार होते थे तो सही समय पर दवा भी नहीं मिलती है। इतना सब लिख के देहात जो है यहाँ पर लिखता है तुम्हारा मित्र देहात। ठीक है, अब ये पत्र उसने अपने मित्र शहर को भेज दिया। अब ये पत्र उसको मिला, उसका दोस्त शहर पढ़ा, तो अब उसका मित्र शहर पत्र लिख रहा है। चलिए देखते हैं शहर क्या पत्र में लिखता है अपने दोस्त देहात के लिए। ठीक है, प्रिय मित्र देहात नमस्कार। अब ये भी अपने मित्र देहात को नमस्कार करके शहर भाई पत्र लिख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है, मतलब तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और विकास होगा। जब देहात का पत्र मिला शहर भाई को
तो उन्होंने अब लिखा कि देखो पत्र लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त है, ठीक है। तो मैं पहले तो 15 अगस्त का तुम्हें बधाई दे रहा हूँ दोस्त, तुम्हारा पत्र मुझे मिला, मैंने पढ़ा, तुम्हारी प्रगति हो रही है, मतलब विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ तक तुम ये बोल रहे हो कि बहुत ही बदल गया है गांव, लोग हमें अकेला छोड़ दिए हैं, तो मेरे दोस्त ये जो है परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो होना ही है, चलो धीरे धीरे और विकास होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीखे सौ भरा ऋतु आए फल होए। मेरे दोस्त देहात एक बार जान लो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, विकास होगा, धीरे धीरे होगा, अचानक से एकदम से झटके से नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी कोई जो माली है, ठीक है, मान लो अगर हमें आम का फल दिसंबर या जनवरी के महीने में खाने का मन कर दिया, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो अगर माली उसे इतना सारा पानी दे डाले, 100 घड़े सीट डाले, बहुत सारा दे, लेकिन फल तो उसकी ऋतु आने पर ही मिलेगा। ऋतु जो है, जो उसका जिस जो आम का मौसम है या जो जिस फल का मौसम है, उस मौसम में अगर आपको पेड़ में फल लगा हुआ खाना है तो वो तो ऋतु आने पर ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मेरे दोस्त परेशान मत हो, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, धीरे धीरे विकास होगा, तो तुम सब्र रखो। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है, चिराग तले अंधेरा है। देखो दोस्त, मैं समझ रहा हूँ, शहर बोल रहा है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ देहात में कुछ परेशानियां तो जरूर है, वहाँ के लोग बड़े तेजी से मेरी तरफ आए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो रहना ही नहीं चाह रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी वो सुखी नहीं है। मालूम है तुमको ये जो कहावत है, चिराग तले अंधेरा, जैसे मालूम है जब चिराग जलता है, जब दीपक जलता है, सबको तो उजाला देता है, लेकिन उसके नीचे बाती के नीचे तो अंधेरा ही रहता है। वैसे ही ये लोग यहाँ तो आ जाते हैं, दूर से उनको लगता है बड़ा अच्छा है, आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो दुखी ही रहते हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन हो, व्यथित हो जाओगे। जिन जहाँ जैसे वो रहते हैं, इतना कंजस्टेड रहता है, इतना मतलब घनी बस्ती रहती है, अगर तुम जानोगे ना तो तुम्हारा दिल एकदम बहुत बैठ जाएगा, बोलोगे यार इतने दुखी है वो लोग शहरों में जाके, मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ, मेरा सोचो कि मैं कितना दुखी हूँ, तुम तो फिर भी ठीक हो। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो ना, वह सबको कहाँ उपलब्ध है, तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। जो तुम्हारे जैसे दोस्त को छोड़ देता है, हमारे देहात को छोड़ देता है ना, तो मेरे यहाँ अगर आ जाता है शहर में, तो वो पछताते भी हैं कुछ लोग, तो ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो कोई हरियाली नहीं, कोई हवा नहीं, कहाँ पर हम आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ, छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। मेरे दोस्त देहात, मैं ये सोचता हूँ कि तुम जो है इन लोग को समय रहते जरा ज्ञान दिला दो, इनको समझाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, थोड़ा जनसंख्या पे वो ध्यान दे, आबादी पे ध्यान दे, बस ये नहीं कि बस परिवार को बढ़ाते जाए, और छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है, जिसमें कुशल है वो वहाँ पे वो व्यवसाय चालू करे, कंप्यूटर संबंधी जानकारी का विकास कराओ, इस पे इन लोग का ध्यान दिलाओ जरा तुम। खेत तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, दौड़ना तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो यहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। मेरे दोस्त, खेल तो गांव की आत्मा है, तुमको तो अच्छे से मालूम है, ऐसा शहर बोल रहा है, कहता है कि अब यही टैलेंट, यही जो गुण उनमें है,
इसी क्षेत्र में आगे ले चलो इनको। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, तुमको मालूम ही होगा कि जितने भी बड़े फेमस, बहुत ही विख्यात, बहुत जिसको सब लोग जानते हैं, वो जितने भी खिलाड़ी अक्सर हैं तो गांव से ही गए हैं, तुम्हारे इस गांव से निकले हैं। तो उनको उनकी जो है कौशल, जो है उनकी कुशलता, जो है उससे उनको उनको याद दिला और वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। मेरे दोस्त, उन सबको जो है ये जानकारी दो, उनका प्रोत्साहित करो उनको, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब तुम्हारा धर्म बनता है, ये करो तुम, उनका पथ प्रदर्शन करो, उनका बोलते हैं ना, उनका मार्गदर्शन करो, उनको रास्ता दिखाओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो ताकि वो प्रगति कर सके, विकास कर सके, मतलब दूसरे दूसरे अगर जो है दूसरे देशों में वो जाकर खेल सके और हमारे देश का, गांव का नाम रोशन करें, अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तुम्हारी और मेरी समस्या कुछ मामले में तो एक ही है, दिन पे दिन आबादी बढ़ती जा रही है और अशिक्षा और गरीबी है इस समस्या का सबसे बड़ा कारण। क्या है आबादी, मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अशिक्षा और गरीबी है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से अशिक्षा रह जाती है और अशिक्षा रहती है तो सीधी सी बात है गरीबी तो जायज है, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, कुछ काम धंधा नहीं रहेगा तो वही छोटा मोटा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे तो पैसा तो मजदूर के हिसाब से ही रहेगा, तो गरीबी हमारे देश में इस तरह से लगी ही रहेगी। तो ये समस्या बड़ा गंभीर है मेरे दोस्त, तुम्हारी भी और मेरी भी। मेरे यहाँ लोग रोजगार के तलाश में आना कम कर दे, तुम गांव वालों को सहकारिता करना तो समझाओ, सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसी अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सके। मेरे दोस्त, ऐसा है कि जो है तुम कुछ ऐसा करो कि वो लोग मेरे यहाँ आना थोड़ा कम कर दे और तुम्हारा महत्व वो समझे, उनको सहकारिता का महत्व समझाओ, मतलब एक साथ मिलजुल कर काम करने का महत्व उनको समझाओ, और छोटे छोटे व्यवसाय जैसे गांव के हिसाब से जो चीज वहाँ पे है उसके आधारित वहाँ पे वो व्यवसाय खुलवाओ, जैसे कि लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जैसे बहुत दूर दूर खेतों में फल पैदा करें, लोग फल उत्पादन करें और खेतों में वनस्पतियों को बोए, औषधि वनस्पतियों को बोए वो लोग, मतलब पैदा करें, ठीक है, और जो है कुछ लोग पशु पालें, इतना जो वहाँ पर है उसी का विकास किया जाए, फिर वो लोग उसको बेचेंगे तो कितना मतलब विकास हो सकता है गांव का, और हमारे यहाँ वो आना बंद कर देंगे। अरे देहात भाई, कितनी भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, खुला खुला सा परिसर है, न धुआं, न वाहनों के चिल्को, हरे भरे पेड़ पे, ये हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास तो कोई प्रदूषण नहीं है और इस तरह की कोई समस्या नहीं है, गाड़ी वाड़ी जो चलता है धुआं निकलता है, ठीक है, हरे भरे जगह पे तुम रहते हो, रात में तारों भरा आसमान, तो सगरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं तुम्हें, तुम तो फिर भी बड़े ही भाग्यशाली हो, ऐसा कौन बोलता है, शहर देहात को पत्र लिखते हुए बोलता है कि तुम तो फिर भी बड़े भाग्यशाली हो, हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। अरे दोस्त, हम तो बड़े बड़े इमारतों के जंगल में बंद गए हैं, हमें न तो तारे दिखते हैं, न सुबह सूरज दिखते हैं, हम तो फिर भी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे जो तहसील वाले लोग है ना, उस क्षेत्र के लोग, उनको चाहिए कि विकास का पूरा क्षेत्र का पूरी तरह से विकास करे, हर एक जन का सहयोग ले और अपने गांव का विकास करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा
उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है, मुझे पूरा विश्वास है उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मेरे दोस्त देहात, तुम जो है अब तुम्हारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अगर जिस क्षेत्र में आगे हैं, तो उनको उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो आगे जाके तुम्हारे देहात का नाम रोशन कर सके, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और उनके बारे में हमें सोचना भी चाहिए। तुम्हारा अपना शहर, इतना लिख कर शहर विराम दे देता है पत्र को। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को देहात ने जो शहर को पत्र लिखा वो समझ में आ गया होगा, और शहर ने जो देहात को पत्र लिखा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो बस इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो स्वयं अध्ययन करना है वो हम अभी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।